मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आईसीसी में दिए गए संबोधन के उन अहम पहलुओं के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने आईसीसी को संबोधित करते हुए दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता में आयोजित 95 साल के आईसीसी के विशेष कार्यक्रम की, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कई अहम बातें कही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी का संकट बढ़ता जा रहा है, इसी बीच प्रधानमंत्री ने इस भाषण के दौरान लोगों को आत्मनिर्भर होने की बात कही है। हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी अपने कई भाषणों के दौरान इन चीज़ों के बारे में बात करते आए हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत होने की जो बात है वो लगातार कई अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। तो एक बार फिर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत होने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कई और पहलुओं पर बात की, जिसमें आत्मनिर्भर होने के साथ साथ लोकल से वोकल, यानी कि जो जनता है वो कैसे बातचीत करे, कैसे आप गवर्नमेंट के जरिए जुड़ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की और आईसीसी को 95 साल होने पर जो है उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के पॉइंट की। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत होने की बात लगातार प्रधानमंत्री जिस तरीके से कहते आ रहे हैं, उनका आत्मनिर्भर भारत होने का मतलब ये है कि आप कैसे आत्मनिर्भर हों और कम से कम विदेशी कंपनियों पर निर्भर हूँ। इसके लिए लगातार वो युवाओं से अपील कर रहे हैं, बुज़ुर्गों से अपील कर रहे हैं, किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आप छोटे से किसी भी व्यवसाय से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये लगातार प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं। अब आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री ने कहा है कि GEM उन्होंने एक नाम दिया है, यानी कि गवर्नमेंट ई मोबाइल, जिसके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आप कोई भी कंपनी या कोई भी सामान अगर आप गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप सीधा PMO तक इसका प्रपोज़ल ले जा सकते हैं। इसी के लिए उन्होंने GEM की ये बात कही है, जिससे लोग कनेक्ट होंगे और अगर लोग कनेक्ट होंगे तो वो सरकार से डायरेक्ट जो कंपनियाँ सामान बेचती हैं वो सरकार के ज़रिए खरीद सकते हैं। तो ये हुई आत्मनिर्भर भारत की बात, जहाँ पर वो लगातार लोगों को आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में डर बना हुआ है कि कोरोना का संकट तो अभी लंबा चलने वाला है, लेकिन इस बीच जो आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है भारत के सामने, उससे कैसे निपटा जाए। तो इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें मजबूती के साथ लड़ना है। और अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, लोकल से वोकल होने की। अगर आप आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, तो आप लोकल से वोकल की जो बात की जा रही है, आप सीधे गवर्नमेंट के ज़रिए जुड़ सकते हैं। इसके लिए JAM की भी बात कही गई है। JAM यानी कि जनता आधार मोबाइल। जनता आधार मोबाइल के ज़रिए आप जुड़कर डायरेक्ट सरकार से, जिस तरीके से पहले लोग बैंकिंग से जुड़ते थे, जनधन अकाउंट सरकार ने खुलवाया लोगों से जुड़ने के लिए, क्योंकि क्या होता था कि बहुत सारे लोग अकाउंट नहीं खुलवा पाते थे, कभी पैसे की कमी की वजह से तो कभी दूसरे रीजन से। लेकिन जनधन अकाउंट से करोड़ों लोग जुटे हैं और अब जनधन मोबाइल के ज़रिए ही अब उन्होंने JAM का सिद्धांत दिया है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। और उनकी जो ये JAM का सिद्धांत है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति का है, जिससे लोग आत्मनिर्भर होने के साथ साथ इस सिद्धांत को भी अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो युवाओं के लिए भी लगातार बात कही जा रही है। और अब बात करते हैं, हालांकि उन्होंने इससे पहले आपको बता दी कि उदाहरण भी दिया था कि जिस तरीके से एक पहले LED जब बल्ब आई थी तो वो पहले महंगा मिलता था, लेकिन अब वो सस्ता मिल रहा है, जिसके ज़रिए अब घर घर तक, करोड़ों घरों तक अब आप जाके देख सकते हैं कि LED मोबाइल जो है जल रही है, जो जिसकी लागत बहुत कम है। तो अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें धीरे धीरे उनके जो है रेट्स कम होते हैं, तो इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। और अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी पॉइंट की, कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन चीज़ों की बात की तो कोरोना संकट महामारी से जूझने के लिए उन्होंने ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर दिया है। ऑर्गेनिक खेती को लेकर बात की जाए तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक हब बनाने की बात कही है, जिसमें त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम,
ये सारे जो है राज्य शामिल हैं जिन्हें ऑर्गेनिक खेती के लिए लगातार प्रधानमंत्री हब बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे उन्होंने आईसीसी को कहा है कि वो इसका लीडर बन सकता है, वो ऑर्गेनिक खेती के लिए उसको हब बनाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और लीडर बनने की बात कह रहे हैं कि कोलकाता को उन्होंने लीडर बनने की बात कही है कि इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि आईसीसी का जो ऑफिस है वो दिल्ली, त्रिपुरा, मुंबई से लेकर कई जगहों पर है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि आपको इससे जुड़ने के लिए लीडर बन सकता है बंगाल, क्योंकि बंगाल से जिस चीज़ की स्टार्टिंग होती है उससे भारत आगे बढ़ता है। तो फिलहाल एबी स्टार न्यूज़ में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।